आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 12,000 रुपीस के अंदर टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन। अगर आपका बजट 12,000 है और 12,000 में एक किलर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हमारे लिस्ट में जो सारे स्मार्टफोन है, उस सारे स्मार्टफोन को लेने से पहले कुछ चीजों के ऊपर सबसे पहले हम लोग ध्यान दिया। पहला पॉइंट, सभी फोन में कम से कम 5,000 एमएच का बैटरी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हर एक फोन में फुल एचडी प्लस डिस्प्ले होना चाहिए। अगर एचडी प्लस डिस्प्ले होगा तो सारे स्मार्टफोन को हम लोग पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, फुल एचडी डिस्प्ले के साथ साथ एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए। अगर एमोलेड डिस्प्ले नहीं रहता है तो हाई रिफ्रेश रेट होना चाहिए। ऐसा स्मार्टफोन हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे जहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट दोनों ही फीचर्स नहीं है, ऐसे फोन को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट, कम से कम 4GB 64GB वेरियंट होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। फोन का सब कुछ डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर, तो प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले पांचवे नंबर में जो स्मार्टफोन है उसके बारे में बताऊंगा और एक नंबर में जो स्मार्टफोन है वो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। हमारे लिस्ट में पांचवे नंबर में जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स के तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 12 अभी लॉन्च हुआ है। जबरदस्त स्मार्टफोन है, फ्लैट एजेस के साथ आता है, ग्लॉसी पैनल वगैरह लेकर आता है, प्रीमियम जैसा फील देता है हाथों में। 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया है। अगर आप ज्यादा मूवी वगैरह देखते हो ना, आप लोगों के लिए ये फोन बढ़िया रहेगा एमोलेड डिस्प्ले की वजह से। मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट मिलता है, नॉर्मल गेमिंग वगैरह कर पाओगे इस फोन में। मैंने पबजी वगैरह खेला था, लो सेटिंग करके आप स्मूथली खेल पाओगे। 5000 एमएच का बैटरी मिलता है, काफी पावरफुल बैटरी है। 33 वाट का फास्ट चार्जर है। बैक साइड में 50+2+ AI सेंसर दिया है और सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसका पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है। कुछ कैमरा सैंपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसका जो प्राइस है 4GB 64GB 12,000 रुपीस में मिलता है। अगर आप 12,000 रुपीस में कंटेंट कंज्यूम करने के लिए कोई भी स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, इन्फिनिक्स नोट 12 आप लोगों के लिए बढ़िया फोन रहेगा। चौथे नंबर में रियलमी का फोन आता है, रियलमी नार्जो 50। यहाँ पे 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले नहीं है लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अगर आप ज्यादा स्क्रॉलिंग या ज्यादा गेमिंग करते हो ना, आपके लिए 120 हर्ट्ज काफी ज्यादा मायने रखेगा। मीडियाटेक का हीलियो G96 चिपसेट देखने को मिलता है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप इस फोन में पबजी वगैरह खेलोगे तो काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा ये फोन। 5000 एमएच का बैटरी देखने को मिलता है, इसका बैटरी क्वालिटी काफी अच्छा है। 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। 50+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसका पिक्चर क्वालिटी भी काफी अच्छा मिलेगा आप लोगों को। इस फोन का जो प्राइस है 4GB 64GB 13,000 रुपीस पे मिलता है, लेकिन अभी सेल में 1,500 रुपीस डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी कि ये फोन आप लोगों को अभी मिलेगा 11,500 रुपीस में। तो अगर आपका बजट 11,500 रुपीस है, इस फोन के पास देख सकते हो, इस फोन का परफॉर्मेंस किलर है। तीसरे नंबर में 5G स्मार्टफोन है। अगर आप 12,000 के अंदर 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो फ्यूचर के लिए, ये फोन आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ पोको M4 5G के बारे में। 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, स्क्रॉलिंग गेमिंग वगैरह काफी अच्छा हो जाएगा। इस फोन में मैंने बहुत सारे वीडियो वगैरह देखा हूँ, वीडियो क्वालिटी भी जबरदस्त है। डायमंडसिटी 700 5G चिपसेट मिलता है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। और ऑब्वियसली इंडिया में अभी तक 5G नहीं आया है तो हम लोग 5G टेस्ट भी नहीं किए हैं, लेकिन 5G इस फोन में मिलता है। 5000 एमएच का बैटरी मिलता है, 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया है, 50+2 मेगापिक्सल का डुअल बैक कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसका पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है, काफी अच्छा पिक्चर क्वालिटी इस फोन में मिल जाएगा। इस फोन का 4GB 64GB वेरिएंट 12,000 रुपीस में मिलता है। यहाँ पे जो सारे स्मार्टफोन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर एक स्मार्टफोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। अगर आप लोग चेक करना चाहते हो या यहाँ से डायरेक्टली बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में क्लिक करके Amazon Flipkart के ऑफिशियल साइट में जाके आप प्रोडक्ट को बाय भी कर सकते हो। दूसरे नंबर में Redmi का फोन है, Redmi Note 10T 5G। ये भी एक 5G स्मार्टफोन है। यहाँ पे मिलता है 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, डायमंडसिटी 700 चिपसेट है, यहाँ पे भी 5000 एमएच का बैटरी है, 18 वाट का फास्ट चार्जर है, 48+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसका जो 4GB 64GB वेरिएंट और 12,000 रुपीस पे मिलता है। Redmi के तरफ से काफी अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत सारे भाई लोग Redmi का फैन भी होता है, तो अगर आप Redmi के फैन हो इस फोन के पास जरूर देखना। हम लोग एक नंबर में जो स्मार्टफोन रखे हैं वो भी Redmi के तरफ से, लेकिन वो 4G फोन है, 5G फोन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 11 के बारे में। सुपर डुपर फोन है, 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, ऊपर से 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अगर आप ज्यादा मूवी वगैरह देखते हो, ज्यादा स्क्रॉलिंग, ज्यादा गेमिंग करते हो, ओवरऑल के हिसाब से ये फोन बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट मिलता है, गेमिंग भी आप लोगों को अच्छा खासा मिलेगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एलेक्सा बिल्ट है आउट ऑफ बॉक्स। 5000 एमएच का बैटरी मिलता है, 33 वाट का फास्ट चार्जर यहाँ पे दिया है, 50+2+2 मेगापिक्सल का
क्वाड रियर कैमरा सेटअप है और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। पिक्चर क्वालिटी मैंने बहुत बार चेक किया हूं, इसका पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है, अब लोगों को मायूस नहीं करेगा। इस फोन का जो प्राइस है 4GB 64GB वो 13,500 रुपीस में मिलता है, लेकिन इस फोन के साथ हर टाइम ऑफर जुड़ा रहता है। तो अगर आप डेबिट कार्ड वगैरह देकर परचेस करोगे ये फोन आप लोगों को मिल जाएगा 1,500 रुपीस डिस्काउंट में, यानी कि 12,000 रुपीस में ये फोन आप लोगों को मिलेगा। और 12,000 रुपीस में ओवरऑल सबसे अच्छा फोन मुझे लगता है यही फोन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये 5 स्मार्टफोन में से आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा, या आप लोगों को लगता है कोई भी स्मार्टफोन को मुझे इंक्लूड करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया हूं, वो भी बता सकते हो। ये जो सारे लिस्ट में बनाया हूं, अगर आप लोगों को लगता है कोई भी फोन ऊपर जाना चाहिए था जो मैं नीचे रखा हूं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ता है, अगर आप लोगों का कमेंट सही रहेगा ना बहुत सारे लोगों का हेल्प भी हो जाएगा, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो और सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।